आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और परमवीर योद्धा की बात करेंगे, लेफ्टिनेंट कॉलोनल आर्देशीर बुजोर जी तारापोर। आज हम इनकी बात करेंगे दोस्तों, कमाल की कहानी है। अभी तक हमने बात की थी 1999 कारगिल वॉर की, उसके बाद हमने 1948 वॉर की, हालांकि ये वॉर तो नहीं था लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने श्रीनगर पे कब्जा करने की कोशिश की थी, खदेड़ दिया गया था। अब हम 1965 वॉर पे आ गए हैं। इससे पहले हमने 1962 वॉर की भी बात कर ली थी, अब हम 1965 के वॉर पे आ गए हैं। जिन जिन को परमवीर चक्र इस दौरान मिला था, अब्दुल हमीद थे, उनकी बायोग्राफी ऑलरेडी अवेलेबल है, और कॉलोनल आर्देशीर तारापोर थे, तो इनकी बायोग्राफी हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम 1971 वॉर में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेट अंडरस्कोर रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों अभी तक परमवीर चक्र 21 सोल्जर्स को दिया जा चुका है, 20 इंडियन आर्मी के हैं और एक इंडियन एयरफोर्स के हैं। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, शूर वीरता के लिए, बहादुरी के लिए, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए परमवीर चक्र जो है वो दिया जाता है। तो आप ये मैप देख लीजिए दोस्तों, ये है पाकिस्तान का मैप, इंडिया का मैप, चाइना का मैप, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मैप, सीमा विवाद है ना, तो ये आप आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि 1965 वॉर पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों, तो ज्यादा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा बट एक ओवरव्यू दूंगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा हमारा तो नहीं उनका पाकिस्तान, ठीक है, ये और ये है हमारा भारत, ठीक, जम्मू कश्मीर। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना। ये जो एरिया है, ये जो देख रहे हैं ना आप ऐसे शेडेड एरिया, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया था, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1948 में पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है ना, पाकिस्तान ने ले लिया था। और ये है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, LOC। अब इसको पहले 1965 तक CFL बोला जाता था, सीज फायर लाइन, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये अक्साई चीन एरिया है, ठीक है, तो चाइना ने कब्जा करके बैठा हुआ है और बोलता है कि भैया अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है, ठीक है ना। तो ये, और उसके बाद फिर यहां से जो है ये LOC है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, और यहां से फिर हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है वो पूरा शुरू हो जाता है। तो अब जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है, यहां से ही पाकिस्तानी क्या करते हैं, बड़े चालाकी से यहां से घुसते हैं और सोचते हैं हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्ट फैला दो, यहां पे आतंकी भेज के माहौल गड़बड़ कर दो, लेकिन हमारी फोर्सेस वहां पे तैनात हैं, सब कुछ नाकाम कर देती हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ यहीं से ही होता है 1948 के बाद से दोस्तों, सब कुछ यहीं से हो रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, 1965 वॉर की बात करें तो ये सितंबर से शुरू हुआ था। अब सितंबर से शुरू हुआ था दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने यह समझा था कि हम भारत को हरा देंगे। एक्चुअली 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें भारत हार गया था, तो पाकिस्तानियों का जो मोराल था वो बहुत ही ऊपर था कि अब तो हम हरा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इससे पहले कुछ जो स्कर्मिशेस हुई थी उसमें भारत थोड़ा वॉर अवॉइड कर रहा था, तो पाकिस्तान ने यह भारत की कमजोरी समझ लिया। तीसरी चीज ये है कि यहां पे देखिए 1945 के बाद दो बहुत बड़ी पावर, USSR, ठीक है, जो कि भारत को सपोर्ट करता था, और अमेरिका जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। अमेरिका उस समय ज्यादा बड़ी सुपर पावर था, तो अमेरिका का जिसको सपोर्ट होगा उसको हमेशा एक अपर हैंड रहेगा ही रहेगा। अमेरिका में जितने भी वेपन्स जो अमेरिका सप्लाई करता था अपने देशों को, मतलब जो उसको सपोर्ट करते थे, वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज्ड होते थे, तो पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था। अब पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था, अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा सा देश है, आपको पता ही है, वो कुछ नहीं, पहले तो भारत का ही था, ठीक है, भारत में ही सब कुछ था। तो अब बिना सपोर्ट के अभी भी उसको चाइना का सपोर्ट है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बहुत ही शेकी बगाड़ता है। तो बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल है कोई भी चीज करना, तो उस समय भी पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था, तो उसी सपोर्ट के बदौलत पाकिस्तान काफी ज्यादा शेकी बगाड़ रहा था कि हम जो हैं भारत के एरिया को, ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज को कैप्चर करके, फिर उसके बाद जब भारत नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा तो ये सारे एरियाज ले लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी देखेंगे हम। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये सारे जो चीजें थी ये पाकिस्तान ने सोचा कि ये मेरे फेवर में जाएंगी, और उस समय पाकिस्तान ने कुछ चीजें भी खरीदी थी, कुछ हथियार भी खरीदे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अमेरिका से इन्होंने पैटर्न टैंक खरीदा था, जिसको इनविंसिबल बोला जाता था, कि इनको
खत्म ही नहीं किया जा सकता। अब्दुल हमीद ने अपनी गन से, बंदूक से इन टैंक्स को खत्म कर दिया था, दुश्मन के चार टैंक, बैटल ऑफ असल उत्तर खेमकरण में। तो जरूर देखिएगा दोस्तों, वो मेरा पूरा लेक्चर है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये वॉर जो है, हालांकि अप्रैल में ही शुरू हो गई थी, ये जो स्कर्मिशेस हैं और ये जो पूरा इन्फिल्ट्रेशन है, सीज फायर का जो उल्लंघन है, ये सब अप्रैल में शुरू हो गया था, लेकिन सितंबर में ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है जब भारत ने LOC क्रॉस कर ली। ठीक है, अब ऐसा था कि उस समय कौन थे भैया भारत के प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री। तो इससे पहले जो 1962 का युद्ध हुआ था, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसमें आर्मी को सख्त निर्देश थे कि आप जो है बहुत ही ध्यान से काम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत ऐसा इंटरनेशनल में, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम एग्रेसर हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे भारतीय सेना को ये आदेश दिए गए कि आप LOC क्रॉस कर लो। पहली बार हुआ था कि भारतीय सेना पाकिस्तान में चली गई थी और लाहौर तक पहुंच गई थी, लाहौर के आसपास के एरिया को भारतीय सेना ने कब्जे में ले लिया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तानियों ने LOC क्रॉस करके कुछ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, भारतीय सेना 20 किलोमीटर अंदर पहुंच गई थी, पाकिस्तानी सेना 5-6 किलोमीटर तक अंदर आ पाई थी। खेमकरण को पाकिस्तानी सेना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उसी को छुड़ाने के लिए अब्दुल हमीद को भेजा गया और अब्दुल हमीद ने वो बैटल ही जीत ली और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, यहां पे देखिए, जब ये सीज फायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ तो, और ताशकेंट एग्रीमेंट साइन होता है, मतलब सीज फायर स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका और USSR ने यहां पे इंटरवीन किया और बोला कि बंद करो। अब कोई विक्टर नहीं है इस वॉर में, ऑफिशियली कोई विक्टर नहीं है। यहां पे बोला जाता है कि कोई नहीं जीता, भारत भी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान की भी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है, लेकिन क्लियर कट भारत विक्टर था। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें अगर आप किसी से भी पूछे, जो न्यूट्रल एलिमेंट्स, अगर आप उनसे भी पूछे तो वो यही बोलेंगे कि इंडिया का हमेशा अपर हैंड रहा था। ठीक है ना, हमेशा, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे एरिया पाकिस्तान के ऑक्यूपाई कर लिए थे और पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया था, पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, पाकिस्तान के पास एम्युनिशन ही नहीं बचे थे और भारत आसानी से इस युद्ध को लड़ सकता था। भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया थी, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास काफी अच्छे वेपन थे। अमेरिका ने बहुत ही मॉडर्नाइज्ड वेपन, भैया पैटर्न टैंक्स हो गए, यहां पे मॉडर्नाइज्ड एयरक्राफ्ट हो गए, बंदूकें हो गई, तो अमेरिका ने ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। एनेक्सेशन ऑफ गोवा जब हुआ था, तब से दोस्तों भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, वो खराब होते चले गए। ठीक है, उसके बावजूद इंडिया की इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी कि भारत ये युद्ध जीता। कोई डेफिनेटली कोई एक, यहां पे अगर हम आंकड़ों पे जाएं या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट पे जाएं, तो यहां पे कोई वॉर गिल्ट क्लॉज नहीं है, यहां पे कोई ऐसा विक्टर नहीं है कि भारत ने जीता या पाकिस्तान, दोनों ही का यहाँ पे बोला जाता है कि दोनों ही अपनी अपनी विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भारत का हमेशा इसमें अपर हैंड रहा था। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि भारत ज्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई करने में कामयाब रहा था और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह उसने झटका दिया था, तो पाकिस्तान के भारत के पास हमेशा एक अपर हैंड था। ठीक है, और अगर मान लीजिए ताशखंड एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता तो भारत बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया को ले लेता अपने पास। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी, लेकिन ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया, जहां जहां तक भारतीय सेना पहुंची थी पीछे हटना पड़ा, वो सारे एरिया वापस पाकिस्तान को देने पड़े। तो ये हमेशा एक हमारी हार रही है दोस्तों, नेगोशिएटिंग टेबल पे जब भी हम आते हैं तो हम पता नहीं क्यों झुक जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अब अगर हम बात करते हैं अपने हीरो पे आ जाते हैं, तारापोर की। बचपन से ही शूरवीर थे ये, 18 अगस्त 1923 बंबई में इनका जन्म हुआ था। बता दूं कि इनके जो एंसेस्टर थे वो शिवाजी के साथ काम करते थे, भैया महाराज छत्रपति शिवाजी, उनसे बेहतरीन जनरल होगा क्या कोई, तो वो खून था इनके अंदर। उसके बाद इनके पिताजी बीपी तारापोर दोस्तों, ये हैदराबाद में काम करते थे, कि स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज के, और उसके बाद फिर वो कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में भी काम करते थे। शुरुआती पढ़ाई दोस्तों इनकी वहीं पे ही हुई है, पुणे में ही हुई है, सरदार दस्तूर बॉयज कॉलेज, और उसके बाद फिर इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। ठीक है ना, इन्होंने हैदराबाद आर्मी के लिए उस समय कमीशन के लिए अप्लाई किया गया और इनको सिलेक्ट कर लिया गया, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो गोलकंडा और बैंगलोर में हुई, और 1942 में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट इनको शामिल किया गया। अब दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा बहादुर थे। बचपन में इनकी बहन पे एक गाय ने अटैक कर दिया था, ठीक है ना, फैमिली काउ थी, वो छूट गई और उसने अटैक किया, इन्होंने अपनी बहन को बचाया। एक और ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों,
जब ये ट्रेनिंग में थे, आई मीन जब इनको मतलब जब ये ऑफिसर बने, देखिए तारापुर हमेशा चाहते थे कि इनको एक्शन देखना था, ठीक है, तो इनको जो रेजिमेंट चाहिए थी वो आर्मर्ड रेजिमेंट चाहिए थी, ठीक है ना। यहां पे वो चाहते थे कि उनको एक्शन दिखे, वो मैदान में जाए, वो लड़ाई करें, ठीक। तो एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, क्या अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों, देखिए एक बार ट्रेनिंग के दौरान गलती से क्या होता है कि एक जो ग्रेनेड है वो गिर जाता है। अब वो उस जगह गिरता है जहां पे बहुत सारे ऑफिसर खड़े रहते हैं, तारापुर तुरंत जाता है उस ग्रेनेड को फेंक देते हैं और वो हवा में ब्लास्ट हो जाता है। तो उस समय के जो जनरल थे एड्रूस, उन्होंने जब ये चीज देखी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और ये अपॉर्चुनिटी का तारापुर ने यूज किया और बोला कि मुझे भैया एक्शन देखना है, मुझे आर्मर्ड रेजिमेंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पे इनको आर्मर्ड रेजिमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, पहले बी स्क्वाड्रेंट और उसके बाद में इनको ए स्क्वाड्रेंट में ट्रांसफर किया जाता है। और यहां पे हम देखते हैं कि तारापुर एक्शन देखने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, मिडिल ईस्ट भेजा जाता है, कमाल का ये टास्क परफॉर्म करते हैं। 1948 में दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन होता है पाकिस्तान का, बहुत ही अच्छे से ये टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर 1947 में जब भारत आजाद होता है दोस्तों, तो कैप्टन इनको बना दिया जाता है, इनके प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी हुए दोस्तों। 1951 में इनको कैप्टन बना दिया जाता है और उसी समय दोस्तों 1960 के दौरान भारत ने ब्रिटिश से सेंचुरियन टैंक्स लिए थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश के बहुत ही बेहतरीन टैंक्स थे, तो भारत उस समय पूरी तरीके से वेस्टर्न पावर्स पे डिपेंडेंट था, तो ये सेंचुरियन टैंक्स लिए थे, ठीक है ना। और 1962 के बाद भारत को ये रियलाइज हुआ कि वो पूरी तरीके से वेस्टर्न पावर्स पे डिपेंड नहीं रह सकता, तो उसके बाद फिर भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाना शुरू की, ठीक। अब यहां पे हम देखते हैं पाकिस्तान के पास बहुत ही जबरदस्त टैंक, भारत के पास भी टैंक है, लेकिन उस तरीके से मॉडर्नाइज्ड वॉरफेयर नहीं है। पाकिस्तान ने सोचा कि 1962 का युद्ध हो गया था और पाकिस्तान ने यह सोचा कि अभी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट को कैप्चर करके सप्लाई रूट काट देंगे। तो इसके लिए ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया गया दोस्तों, ऑपरेशन गिब्राल्टर पूरी तरीके से फेल हो गया। अब इसमें था क्या दोस्तों कि यहां पे पैरा ट्रूपर्स जो थे पाकिस्तानियों के उनको ड्रॉप किया गया और यहां पे यही थी कि किसी तरीके से अमेरिका में अनस्टेबिलिटी फैलाओ, वहां पे आतंकवादी भेजो, वहां पे पूरी तरीके से अनरेस्ट फैलाओ, इंपॉर्टेंट एरियाज को जो भारत के हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं उसको ऑक्यूपाई कर लो। लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गया दोस्तों, क्योंकि यहां पे जितने भी लड़ाके पाकिस्तान ने गिराए, जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने उन सारे लड़ाकों को भारतीय सेना को सौंप दिया। तो ये ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद दोस्तों जब सितंबर आता है तब यहां पे पाकिस्तानियों ने पूरी तरीके से एयर स्ट्राइक, जम्मू एंड कश्मीर पठानकोट एरिया में वो पूरी एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, बहुत ही इफेक्टिव एयर स्ट्राइक्स थी, बहुत ज्यादा भारत को नुकसान हुआ था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों ने अटैक लॉन्च कर दिया, पाकिस्तानियों ने लोसी क्रॉस करना शुरू कर दी, तब यहां पे भारत को सीधा आदेश मिला कि इधर पाकिस्तान आ रहे हैं, तुम पाकिस्तान में घुस जाओ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सीधा ये आदेश दे दिया और पहली बार भारत ने एलओसी को क्रॉस किया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था भारत के लिए, भारत एलओसी क्रॉस कर गया और उसके बाद जितने भी एरियाज दिखे, हालांकि वो लाहौर तक नहीं गया, ठीक है, वो चाहता, अगर भारत चाहता तो लाहौर पे भी कब्जा कर लेता था, 25 किलोमीटर दूर है दोस्तों एलओसी से, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पे भारत ने कब्जा नहीं किया क्योंकि मुश्किल होता है, अगर आप एक बार सिटी में घुस गए तो वहां पर लड़ाई ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो लाहौर पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, लाहौर के आसपास के एरिया को पूरे अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट थे वो, पाकिस्तानियों ने भी लिया था, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानियों ने भी, और पाकिस्तानियों की काफी ज्यादा इफेक्टिव उनकी भी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने भी भारत के एरिया को लेना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय फौजों ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। तो दोस्तों इन्हीं में ही तारापुर की अखंड वीरता सामने आती है। कब सामने आती है दोस्तों, देखिए हुआ क्या था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में दोस्तों ये वॉर शुरू हो गया। अब ऑपरेशन गिब्राल्टर फेल, तो दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया था दोस्तों, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये क्या था कि ये जो मेन मेन एरियाज है उनको कैप्चर करके सप्लाई काट दो, भारत की फौजें यहां पे आ नहीं पाएंगी, सप्लाई काट दी गई है, खत्म, सब कुछ खत्म। पहले अखनूर डिस्ट्रिक्ट पे पूरा कब्जा करने की तैयारी थी और अब पूरे के पूरे कश्मीर एरिया पे कब्जा कर लो। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन था, लेकिन भारतीय फौजें तैयार थी दोस्तों। तो हुआ क्या दोस्तों कि यहां पे सीधा कॉलोनल आर्देशीर को ये ऑर्डर्स मिले कि
क्या पेलोसी क्रॉस करिए, ठीक है। अब आप पेलोसी क्रॉस करके फिलोरा को कैप्चर करिए, फिलोरा, और फिलोरा में चामिंडा है, वहां पे उस एरिया को पूरा कैप्चर कर लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहां से पाकिस्तान के काफी ज्यादा टैंक आ रहे हैं, काफी आर्मी आ रही है, अगर हमने वहां पे उसको कैप्चर कर लिया तो हम पाकिस्तान की सप्लाई काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो यहां पे भारत की आर्मी ने एलओसी को क्रॉस किया। अब देखिए उस समय कोई हमारे पास जीपीएस था नहीं, पता नहीं कितने दुश्मन वहां पे बैठे हुए हैं दोस्तों, कुछ 8-9 टैंक्स गए थे भारत की तरफ से, एनिमी के पता है कितने थे, 60 टैंक्स, 60 पैटर्न टैंक्स, भारत के खाली 9 टैंक थे। लेकिन यहां पे तारापुर ने इतनी जबरदस्त एक लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, और ये पाकिस्तानियों ने भी माना है, पाकिस्तानियों ने भी बहुत रिस्पेक्ट दी है तारापुर को। आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने भी माना है कि क्या लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, तारापुर का जो टैंक था वो हमेशा आगे रहता था और बाकी इनके साथ पीछे इनके साथियों के टैंक रहते थे, और बहुत सारे हमले हुए थे इनके टैंक पे, आगे है तो डेफिनेटली हमले होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने खाली 9 टैंक खोए, ठीक है। पाकिस्तानियों ने कम से कम 60 टैंक खोए थे, ठीक है ना। तो इतनी बुरी, सोचिए हमारे टैंक तादाद में कम, लेकिन उसके बावजूद एक एक की धज्जियां उड़ा दी थी। तो ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद दोस्तों तारापोर ने फिलोरा वो गए, और उसके बाद बैटल ऑफ चामिंडा लड़ी गई, और इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और यहां पे दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि घायल हो गए थे, यहां पे तारापुर घायल हो गए थे, और इनको ये बोला भी था, इनको ये ऑर्डर्स थे कि आप पीछे हट जाइए, अब घायल हो गए हैं। तब इन्होंने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे, ये वर्ड्स थे तारापुर के। उसके बाद दोस्तों और आगे जो है वो कब्जा कर लिया गया था, पहले तो चामिंडा पे फिलोरा पे कब्जा कर लिया यहाँ पे तारापुर ने, उसके बाद डोगरा के साथ मिलके जासूराम पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद बुतुल डोगरांडी पे आठ गढ़वाल के साथ कब्जा कर लिया। तो एक एक एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के एक एक एरिया को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे ए बी तारापुर, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों इनका टैंक बहुत बार हिट हुआ, इन्होंने पीछे से हमला करने की कोशिश की, क्योंकि फ्रंटल अटैक हम थोड़ा तादाद में कम थे, फ्रंटल अटैक प्रॉब्लम होती, और पैटर्न अटैक तो वैसे ही इनविंसिबल है, उनको तो मारना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे एक एक करके एरिया को कब्जे में लेने की कोशिश की और एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पीछे से अटैक किया, और यहां पे बहुत ही अच्छे से कम 60 एनिमी टैंक्स और हमारे सिर्फ और सिर्फ 9 टैंक की कैजुअलिटीज हुई थी। और यहां पे हम देखते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, देखिए जो एरियाज को कैप्चर करने थे उसमें सबसे आगे तारापोर रहते थे, उनको कभी भी ऑर्डर मिलता था पीछे हटने का भी ऑर्डर उन्होंने पूरी तरीके से डिफाई कर दिया, और जो आने वाले ऑर्डर्स भी थे उन्होंने बोला कि इसको मैं लीड करूंगा। और यहां पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भी फकरे हिंद इनको टाइटल दिया है, तो पाकिस्तान ने भी काफी ज्यादा एक तरीके से जो लीडरशिप का एग्जाम्पल सेट किया है उसको एडमायर किया है। तो ए बी तारापुर लीड कर रहे थे। इसी दौरान दोस्तों ये पूरा 10 दिन का ऑपरेशन था, और इस दौरान दोस्तों इनके टैंक को बहुत ज्यादा क्षति आई थी। अब क्या हुआ कि ये जब टैंक से बाहर निकले, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, काफी टाइम से ये युद्ध लड़ रहे थे, जब ये टैंक से बाहर निकले एक मोर्टार आके गिरता है और वहीं पे ही ब्लास्ट हो जाता है, ये घायल हो जाते हैं, और इसी दौरान दोस्तों ये शहीद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक इनकी रेजिमेंट ने कम से कम 60 टैंक 60 पाकिस्तानी टैंक्स को ध्वस्त कर दिया था, ये बहुत बड़ा ब्लो था। तो पाकिस्तान के एम्युनिशन इस तरीके से खत्म हो रहे थे, भारतीय आर्मी एक एक करके इनके एम्युनिशन को खत्म करती जा रही थी। तो सितंबर 1965 में, 16 सितंबर 1965 में परमवीर चक्र तारापोर को दिया जाता है, पोस्थोमसली परमवीर चक्र दिया गया। तो ये कहानी थी, और इसी ने ही बेस बना दिया, इतनी बुरी तरीके से जब एनिमी पे इन्होंने हमला किया तो यहां से कमर टूट गई। इसके बाद एक और लीडर थे अब्दुल हमीद, अब उनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।